अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपको एक नया टूल बताएंगे, ये जो आपको मूव टूल के साथ एक नया टूल नज़र आ रहा है, ये आज हम पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मार्क टूल। दोस्तों, जब भी आप एक नया टूल खोलते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे टूल नज़र आते हैं। जैसे कि अभी हम इसके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको चार टूल नज़र आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर मार्क टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, सिंगल कॉलम मार्केट टूल। तो आज हम ये दो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। अभी हम यहाँ पर सिंगल इस टाइम ड्रैग करेंगे तो ये आपको सिलेक्शन टूल नज़र आएगा। एक्चुअल में ये जितनी हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में सिलेक्शन टूल हैं, ये चारों आपको यहाँ पर सिलेक्शन टूल नज़र आते हैं। तो अब हम जो काम करेंगे इसी के अंदर आपको नज़र आएगा। अब हम जो काम करेंगे वो इसी के अंदर अप्लाई होगा, इससे बाहर ये खाली जगह पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक कलर फिल करते हैं, फोरग्राउंड कलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी शॉर्टकट की आपको बताई हो मैंने, Alt प्लस बैकस्पेस। अब इसके अंदर एक कलर फिल हो गया है। इसी तरह हम बैकग्राउंड कलर अगर फिल करना चाहें तो हम यहाँ से कोई बैकग्राउंड कलर चूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ से रेड कलर चूज़ किया मैंने। तो अब हम इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, ये देखिए हम रेड कलर फिल हो गया इसके अंदर। तो इसी तरह हम जो काम करेंगे वो इसके अंदर ही अप्लाई होगा, इसके बाहर जो खाली जगह नज़र आ रही है इसके अंदर ही होगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड एरिया। ऐसे अगर हम इसको डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सिंपल कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये एरिया डिसलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको ये ऊपर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, हर टूल की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम सिलेक्शन, इंस्ट्रक्ट विद सिलेक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं, अगर हम यहाँ से कुछ ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से सिलेक्शन एक ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम इनके जो साइड रैन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम ये ऊपर आपको फिगर नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक करने पर जो आपको फिगर नज़र आ रहा है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये यहाँ पे आर लिखा है तो हम इसका ये 10 पिक्सल से करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो साइड हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। उसके बाद तो अब हम इसके जो है कोने सॉर्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फीचर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक कमांड ओपन होगी। तो अभी हम यहाँ से इसका कुछ बढ़ाते हैं फीचर। तो इसी तरह ये एक टूल था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ये आपको नज़र आया एलिप्टिकल मार्केट टूल, इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये एक आपके सामने एक नया एलिप्टिकल मार्केट टूल जो है जो मैंने सेलेक्ट किया था वो ड्रॉ हो गया है। तो अब हम इसके अंदर भी फीचर बढ़ेंगे, इस जिस तरह प्रैक्टिस के लिए आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको यहाँ पे फीचर नज़र आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड ओपन हो जाएगी। ये 15 पिक्सल्स। अभी हम इसको यहाँ से ओके करते हैं यहाँ से। ये भी आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कोई कलर फिल करेंगे तो ये आपको इसके जो साइड्स हैं ये आपको सॉफ्ट नज़र आएंगे। जिससे अभी यहाँ से मैं Alt प्लस बैकस्पेस करता हूँ तो ये आपको इसकी साइडें जो हैं ब्लर नज़र आएंगी। तो ये मैंने Alt प्लस बैकस्पेस बनाया तो इसकी अंदर कलर फिल होगी और इसकी जो साइडें हैं आपको ये सॉफ्ट नज़र आ रही हैं।
तो इसी तरह हम यहाँ इसका भी यही है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है ऐड टू सिलेक्शन, इसके अंदर मैं यहाँ से मोदी ऐड करता हूँ सिलेक्शन को ही, तो ये देखें इसके अंदर ये सिलेक्शन ऐड हो गई है। इसी तरह अगर हम ये यहाँ से कोई इसकी सिलेक्शन को हम इसके अगर इसी तरह अगर हम इसकी सिलेक्शन को माइनस करना चाहें तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक जैसे हम सिंपली इस इस पर पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन को, यहाँ से ये सारा डिलीट हो जाएगा। इस तरह ये देखें डिलीट हो गया, ये हिस्सा भी इसका डिलीट हो गया, और साथ ये जो आपको इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उतना हिस्सा जो है इसका ये बाकी रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा जो गैर सिलेक्टेड होगा। ये देखें ये सब जो है आपको नजर आ रहा है, ये सिलेक्टेड एरिया जो है ये बाकी बाकी डिलीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।